एक सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर करवा दो। इन जहर उगलती जीवों का अब कटना बहुत जरूरी है और पागल कुत्तों की आबादी घटना बहुत जरूरी है, वरना ये पागल कुत्ते एक दिन हम सबको काटेंगे और सन 47 की तरह फिर से भारत को बांटेंगे। वे सबूत अब मांग रहे हैं हिंदुस्तानी सेना से, अफजल की बरसी पर आंसू बरसे जिनके नैना से। हिंदुस्तान के पास जहर उगलते हैं, वो दो कौड़ी का है, वो मवेशी वो हैदराबाद में बैठा हुआ कहता है भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। महबूबा कहती है कश्मीर में कोई तिरंगा झंडा थामने वाला नहीं मिलेगा। हमें हिंदू मुसलमान सब प्यारे हैं, लेकिन कैसे लोग चाहिए हमें हिंदुस्तान में। और जिनकी मिसाइलों से थर्राता है पाकिस्तान, आज इस देश को वही कलाम चाहिए। उन्हें सरेआम चौराहे पर फांसी दी जाए। उन दुष्टों को हमने छाती पर चढ़कर ललकारा है, आतंकी पिल्लों को उनके घर में घुसकर मारा है। पहला कदम उठा है, अभी अंतिम बार नहीं है जी। भले मौत के घाट उतारा हमने 350 को, किंतु काटना बाकी है सारे आतंकी शीशों। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश खटाना है मित्रों, और मैं बयाना से बिलोंग करता हूं। बयाना राजस्थान में भरतपुर जिला है हमारा, वहां से बिलोंग करता हूं। अच्छा, जिस तरीके का जो देश में माहौल चल रहा है, और अभी जिस तरीके से हमारी सरकार के आदेश के अनुसार वायुसेना पाकिस्तान पर अटैक करके आ जाती है, उसके बाद जो लोगों के अंदर जो भावनाएं थी वो एक साथ से तो प्रकट होती है कि बहुत अच्छा किया, और कुछ समय निकलने के बाद सबूत मांगने लग जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि सबूत मांगने वाले जो लोग हैं उनके मैं चार पंक्ति कहना चाहता हूँ कि एक सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर करवा दो। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि एक सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर करवा दो, और मांग रहे हैं जो सबूत उन गद्दारों को मरवा दो। एक सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर करवा दो, मांग रहे हैं जो सबूत उन गद्दारों को मरवा दो। इन जहर उगलती जीवों का अब कटना बहुत जरूरी है, और पागल कुत्तों की आबादी घटना बहुत जरूरी है। पागल कुत्तों की आबादी घटना बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहता हूँ हमारे गांव में अगर कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो क्या वो जीवित छोड़ते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्योंकि वो इन्फेक्शन फैलाता है, वो रेबीज फैलाएगा। तब मैं कह रहा हूँ कि एक सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर करवा दो, मांग रहे हैं जो सबूत गद्दारों को मरवा दो। पागल कुत्तों की आबादी घटना बहुत जरूरी है, वरना ये पागल कुत्ते एक दिन हम सबको काटेंगे। हिंदुस्तान को ये कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं भविष्य के बारे में कहने का प्रयास करता हूं। वरना ये पागल कुत्ते एक दिन हम सबको काटेंगे और सन 47 की तरह फिर से भारत को बांटेंगे। सन 47 की तरह फिर से भारत को बांटेंगे। ये जिन्ना की औलादें हैं, जयचंदों के बेटे हैं। ये जो गद्दार आज बयान आया गद्दार का, वो कह रहा है कि क्या सेना पाकिस्तान में गई तो पेड़ काटने के लिए गई थी? तब कहना चाह रहा हूं कि वरना ये पागल कुत्ते एक दिन हम सबको काटेंगे, सन 47 की तरह फिर से भारत को बांटेंगे। ये जिन्ना की औलादे हैं, ये जिन्ना की औलादे हैं, जयचंदों के बेटे हैं। भारत के टुकड़े करने के मन में स्वप्न संजोए हैं। कश्मीर में दहशत वाले बीज इन्होंने बोए हैं, कश्मीर में दहशत वाले बीज इन्होंने बोए हैं। और वे सबूत अब मांग रहे हैं हिंदुस्तानी सेना से। कैसे कैसे लोग सबूत मांगते हैं भाई साहब। वे सबूत अब मांग रहे हैं हिंदुस्तानी सेना से, अफजल की बरसी पर आंसू बरसे जिनके नैना से। अफजल की बरसी पर जिन लोगों की आंखों से आंसू बरस रहे थे, वो हिंदुस्तान की सेना का सबूत मांगते हैं, बहादुरी का सबूत मांगते हैं। वे सबूत अब मांग रहे हैं हिंदुस्तानी सेना से, अफजल की बरसी पर आंसू बरसे जिनके नैना से। शिशुपालों की सौगाली की सीमा पार हो चुकी है, भारत माता गद्दारों का बोझा बहुत ढो चुकी है। इसीलिए मेरी मोदी जी इन पर वार करो, हाथों में तलवार थाम लो दुष्टों का संहार करो, हाथों में तलवार थाम लो दुष्टों का संहार करो। अब अंतिम फरमान निकालो दिल्ली के दरबारों से। मेरी मांग अगर आपके चैनल के माध्यम से पहुंच जाए मोदी जी तक, तो कहना चाहता हूं अब अंतिम फरमान निकालो दिल्ली के दरबारों से। वंदे मातरम गाना होगा कह दो सब गद्दारों से, और जिनको भारत माता की जय कहना हो मंजूर नहीं, वे गद्दार मेरे भारत में रहने को मजबूर नहीं। जिनको भारत कहते हैं भारत माता की जय तक नहीं बोलते भाई साहब, हिंदुस्तान का खाते हैं, यही का पीते हैं, फिर भी हिंदुस्तान के प्रति ऐसा उनका बर्ताव। हिंदुस्तान के प्रति जहर उगलते हैं, वो दो कौड़ी का है, वो मवेशी वो हैदराबाद में बैठा हुआ कहता है भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो भारत माता की जय नहीं बोलता भाई साहब। वो महबूबा कहती है कश्मीर में कोई तिरंगा झंडा थामने वाला नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ
उस मवेशी को संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय किसान पे ही जिसको गुमान नहीं गान वंदे मातरम जिसको हराम है, जनगणमन पे भी जिसे अभिमान नहीं प्राणों से भी प्यारा जिसे नीच पाकिस्तान है, हिंदुओं को काट फेंकने की बात करता जो कहता है 100 करोड़ हिंदुओं को 15 मिनट के लिए अगर हिंदुस्तान की पुलिस हटाली जाए तो 25 करोड़ मुसलमान काट के रख देंगे। हिंदू मुसलमान प्यार से इस देश में रह रहे हैं, अमन चैन से रह रहे हैं, लेकिन वो गद्दार हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास करता है। मैं कहना चाहता हूँ अशफाकुल्ला खान के वंशजों का देश में स्वागत है, लेकिन ऐसे गद्दारों तक मेरा संदेश पहुंचे आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय किसान पे ही जिसको गुमान नहीं गान वंदे मातरम जिसको हराम है, जनगण मन पे भी जिसे अभिमान नहीं प्राणों से भी प्यारा जिसे नीच पाकिस्तान है, हिंदुओं को काट फेंकने की बात करता जो गौ माता का मांस खाता नीच खुले आम है। तो काट क्यों ना फेंकते हो उसकी ज्योति तक पहुंचे मेरी बात, काट क्यों ना फेंकते हो उसकी जुबान जो की देता गाली भारती को आज सरेआम है। वो कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। भाई साहब इस देश को वास्तव में जरूरत कैसे लोगों की है, इस हिंदुस्तान को जरूरत है ऐसे मुसलमानों की जो इस देश की प्रति अपनी श्रद्धा रख सकें कि देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी खाने वाला देशभक्त कोई अशफाक खान चाहिए। क्या चाहिए हमें हिंदुस्तान में, हमें हिंदू मुसलमान सब प्यारे हैं, लेकिन कैसे लोग चाहिए हमें हिंदुस्तान में, देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी खाने वाला देशभक्त कोई अशफाक खान चाहिए। 7 टैंक एक साथ ध्वस्त जिसने किए थे अब्दुल हमीद सा कोई जवान चाहिए, 7 टैंक एक साथ ध्वस्त जिसने किए थे अब्दुल हमीद सा कोई जवान चाहिए, और जिनकी रगों में खून जिन्ना वाला दौड़ता हो, सुन ले मेरी बात, जिनकी रगों में खून जिन्ना वाला दौड़ता हो, हमें ऐसा कोई ना मुसलमान चाहिए, और जिनकी मिसाइलों से थर्राता है पाकिस्तान, आज इस देश को वही कलाम चाहिए, आज इस देश को वही कलाम चाहिए, हमें बार बार वही कलाम चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आपने जिन्ना की बात करी, तो अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की एक सिर्फ फोटो हटाने के लिए चर्चा हुई थी, उसके लिए क्या कह सकते हैं आप? भाई साहब ऐसे लोगों का उपाय एक ही है, मैं पहले कह चुका हूँ कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके और उन्हें जेलों में नहीं डाला जाए, उन्हें सरेआम चौराहे पर फांसी दी जाए, तभी जाकर के ऐसे लोग सुधर सकते हैं। जिस तरीके उसी श्रृंखला में अगर हम देखते हैं, कभी कपिल सिब्बल बोल देते हैं कि हमें 300 जो आपने अटैक करके मारे हैं उनके लिए सबूत दो, 300 लाशों का सबूत दो, उसी श्रृंखला में कह देती हैं ममता और सिद्धू भी उसी श्रृंखला में, सिद्धू तो पहले से ही पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं एक ही बात कह चुका हूँ कि अब अंतिम फरमान निकालो दिल्ली के दरबारों से। मैं मोदी को पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, वही मेरा निवेदन है, ऐसे जितने भी गद्दार जैसे मौजूद हैं उन्हें सरेआम चौराहों पर दंडित किया जाए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी ऐसे लोगों को देखेगी तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा उसके ऊपर। हिंदुस्तान में जब गद्दार मौजूद होंगे तो गद्दारों से हमारे युवा कुछ भटक सकते हैं। आज कश्मीर के जो युवा हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका दोष जो है उसके पीछे नेताओं का ही कारण है। ये नेता लोग अगर ऐसे बयान इस देश में ना दें, हिंदुस्तान के प्रति इनकी श्रद्धा हो तो ऐसे काम होंगे क्यों? तो जिस तरीके से वायुसेना जो हमारा अटैक करके आती है और चीफ मार्शल हैं वो भी कह देते हैं इनके जो सबूत मांगने वाले लोग हैं उनकी मजबूरी में उनको आना पड़ता है और वो कहते हैं कि हमको जो टारगेट मिले थे हमने उनको ध्वस्त किया है, हम वहाँ पर लाश गिनने के लिए नहीं गए थे, उनको लेकर के आप क्या कहते हैं? भाई साहब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ऐसे लोगों का कोई उपाय नहीं है जो सेना की कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रहे हों। मैं एक छोटी सी कविता जो मैंने अभी नई लिखी है लेटेस्ट, उसको पढ़कर के ही अपना स्टेटमेंट पूरा करने का प्रयास करता हूँ कि जो अंधियारी रातों में चोरी छुपके घुसाते थे, जो अंधियारी रातों में चोरी चुपके घुसवाते थे, शीश काटकर वीरों के जो धोखों से ले जाते थे, जिन दुष्टों ने भारत माँ को, जिन दुष्टों ने भारत माता को गमगीन कर डाला था, खूनी खंजर घोंप घोंप सीना जख्मी कर डाला था, उन दुष्टों को हमने छाती पर चढ़कर ललकारा है, उन दुष्टों को हमने छाती पर चढ़कर ललकारा है, आतंकी पिल्लों को उनके घर में घुसकर मारा है, आतंकी पिल्लों को उनके क्या सबूत मांगते हैं ऐसे लोग। सबूत मांगने वालों का मैंने पहले आपको बता दिया एक ही उपाय लोगों का, लेकिन मैं अपनी कविता को पूरी करने का प्रयास करता हूँ। उन आतंकी दुष्टों को हमने घर में घुसकर ललकारा है, आतंकी पिल्लों को उनके घर में घुसकर मारा है, और निवेदन करता हूँ कि शीश गर्व से आज उठा है, शीश गर्व से आज उठा है, मजा आ रहा जीने का, पूरी दुनिया देख रही दम 56 इंची सीने का, पहला कदम उठा है अभी अंतिम बार नहीं है जी,
आतंकी आकाओं पर अंतिम प्रहार नहीं है जी, और शांति वार्ताओं की हमको अब दरकार नहीं है जी। अब दिल्ली में गूंगे बहरों की सरकार नहीं है जी। अब दिल्ली में गूंगे बहरों की सरकार नहीं है जी। राजनीति के धुरंधरों को धर्म तुला पर तोलूंगा, एक ऐसी पंक्ति कहने जा रहा हूँ जो हिंदुस्तान किसी कभी ने आज तक नहीं कही होगी। राजनीति के धुरंधरों को धर्म तुला पर तोलूंगा। इंदिरा दुर्गा थी तो मैं मोदी को शंकर बोलूंगा। भीगी बिल्ली बनकर रहना दिल्ली ने अब छोड़ दिया, सुन ले पाकिस्तान तक मेरी आवाज पहुंचे। भीगी बिल्ली बनकर रहना दिल्ली ने अब छोड़ दिया, शांति अहिंसा के कोरे अनुबंधों को भी तोड़ दिया। भले मौत के घाट उतारा हमने साढ़े तीन सौ को, किंतु काटना बाकी है सारे आतंकी शीशों को। शेर के मुंह में हाथ डालकर तूने अच्छा नहीं किया, सुन ले इमरान खान तक मेरी आवाज पहुंचे। शेर के मुंह में हाथ डालकर तूने अच्छा नहीं किया, आतंकी कुत्तों को पालकर तूने अच्छा नहीं किया। बिना लड़े मोनी बाबा की तरह कभी ना हारेगा। ये गुजराती शेर है, सीधा घर में घुसकर मारेगा। जो मर्यादा लांग रहे थे उनको सबक सिखाया है, खोल उठा है खून रगों में ये प्रत्यक्ष दिखाया है। खूब सहा है हमने अब तक किंतु अब नहीं सहेंगे हम, काफी मौन रहे थे किंतु आगे नहीं रहेंगे हम। सुन ले पाकिस्तान, अब जो घात किया तो तेरी मिटने की तैयारी है। अब की बार अगर पुलवामा को तूने दोहराया तो भारत के बेटों पर फिर से कोई घात लगाया तो सब आतंकी अड्डों का हम नाम निशान मिटा देंगे। सुनो मियां इमरान, समूचा पाकिस्तान मिटा देंगे। तो हमारे साथ है ये जगदीश खटाना, जो इनके जो आवाज से और इनकी कविताओं से आपको पता चल गया होगा ये वीर रस के कवि हैं, और ये जाने जाते हैं राजस्थान की धरती से आते हैं, जो राजस्थान की धरती ने पहले से भी ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जो आज हमारे साथ खड़े हैं। और इनकी आपको कविता अच्छी लगी हो तो कविता के नीचे लिख करके आप जय हिंद लिखें और वंदे मातरम लिखें। जय हिंद, जय भारत।